चौधरी, एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आगे प्रमेय 11.11 है, तो ये इसमें दिया हुआ है कि अधिकोण त्रिभुज एबीसी में, तो ये एबीसी अधिकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण बी है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो अधिकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से ज्यादा हो अधिकोण त्रिभुज होता है, तो इसमें कोण बी है वो 90 डिग्री से अधिक है इसलिए अधिकोण त्रिभुज है। इसमें AD लंबवत है BC, तो AD है अधिकोण त्रिभुज में जो लंब है वो एक भुजा को आगे बढ़ाने पर इसमें डाला जाता है, तो इस BC भुजा को आगे एक्सटेंड किया इस साइड, तो ये AD लंब है वो BC पे है, तो AD और लंब है तो ये 90 डिग्री का, और कौन सी भुजा पर है ये BC पर है। उसके बाद सिद्ध करना है कि AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि ABC अधिकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B है वो अधिकोण है और AD लंबवत है BC पर, और ये सिद्ध करना है। अब इसके बाद यहाँ उपपत्ति के अंदर आपको ये स्क्वायर वगैरह आ रहा है AB² BC², तो ये किस में आता है, ये बोधायन प्रमेय में आता है, तो यहाँ पर बोधायन प्रमेय को आपको अप्लाई करना है। तो बोधायन प्रमेय को अप्लाई करने के लिए समकोण त्रिभुज चाहिए, तो एक तो समकोण त्रिभुज हो गया AB हो गया, और एक ये पूरा समकोण त्रिभुज बड़े वाला ADC, तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में अपन अपते हैं बोधायन प्रमेय, और उसके बाद जो उसके रिजल्ट आते हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन ये छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ADB, तो ये कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो आप यहां लिखोगे समकोण त्रिभुज ADB में, राइट एंगल ट्राइंगल ADB। अब ये समकोण है तो यहां पर बोधायन प्रमेय से, तो बोधायन प्रमेय से बाय बोधायन प्रमेय से तो यहां इस छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, AB है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, तो AB² बराबर AD² प्लस DB², तो AB² बराबर AD² प्लस DB², ये समीकरण नंबर हो गई एक। तो पहला समकोण त्रिभुज ले लिया आपने ADB। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लो ये लाइन नहीं है, तो कौन सा समकोण त्रिभुज है, ADC बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल ADC, इसमें भी बोधायन प्रमेय से, तो बोधायन प्रमेय से इसमें कौन सा है करण है इसमें AC, तो AC का स्क्वायर बराबर इसके बराबर होगा AD² प्लस ये पूरी भुजा लेंगे DC² या CD², तो ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब यहाँ पे आपको जो रिजल्ट लेकर आना है वो AC² के बराबर लेकर आना है, तो AC² अपना समीकरण नंबर 2 में है। उसके बाद जो इसके राइट पार्ट है ये दोनों नहीं आ रहे अपने पास, है AB² और BC² आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 में जो AD² का मान है और यहाँ पर भी AD² है, तो इसमें अपने सब्स्टिट्यूट मेथड से आप इसको रिप्लेस करते हो AD² से, तो समीकरण नंबर 2 में जो AD² है उसकी जगह समीकरण नंबर 1 से आपको AD² का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 से जो AD² बराबर क्या आएगा, अगर AD² का मान निकालते हो तो ये इधर चला जाएगा माइनस में, तो आ गया AB² माइनस DB², ये जो आपने AD² की वैल्यू निकाली है वो किस में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, तो ये समीकरण 2 में आप रखोगे AD² की जगह, तो AC² तो है एज इट इज, AD² की जगह क्या लिख देंगे AB² माइनस DB², इसको आप DB लिखो से BD लिख दो। उसके बाद में आगे प्लस DC जो है, तो DC ये पूरी भुजा है, तो आपको यहाँ पे DC नहीं आ रहा आंसर में क्या आ रहा है, BD और BC आ रहा है, तो इसका मतलब इस BC को चेंज करके इन दो भुजाओं का योग लिखा गया है DB प्लस BC, क्योंकि ये इन दोनों पार्टों को जोड़ने पर पूरा DC आता है, तो इससे DC की जगह क्या लिख देंगे DB प्लस BC, तो इससे DC की जगह लिखेंगे अपन DB प्लस BC, ये DC पे स्क्वायर था तो ये आ जाएगा DB प्लस BC पे भी स्क्वायर। अब इसके बाद आपको ये स्क्वायर ओपन करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो AC² बराबर ये दोनों सेम लिख देंगे AB² माइनस DB² आगे प्लस, ये प्लस है तो आगे वाले ब्रैकेट को आप डायरेक्ट ओपन करो, कोई साइन चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो पहले आप ब्रैकेट में जो स्क्वायर ओपन करते हो उसके बाद आप वो प्लस, ये बार माइनस होता तो साइन के अंदर एंट्री करवाते। अब ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा, तो ए की जगह कौन सा है डी बी है, तो
तो डी बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस दोनों का गुणा तो डी बी इंटू में बी सी। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने वाले पार्ट कौन सा है, ये डी बी स्क्वेयर माइनस का, ये डी बी स्क्वेयर प्लस का है, बाकी जो बच गया वही आपको रिजल्ट लेकर आना है। तो ए सी स्क्वेयर बराबर ए बी स्क्वेयर प्लस ये बी सी स्क्वेयर प्लस टू बी डी लिखो थे डी बी इंटू में बी सी, तो ये आ गया रिजल्ट जो कि आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे अधिकोण त्रिभुज है, तो अधिकोण त्रिभुज में तो ऐसे इन दो पार्टों का योग आएगा, क्योंकि पूरी भुजा आपको आंसर में नहीं लेकर आनी, आंसर में जो लेकर आना है वो बी सी इंटू बी डी लेकर आना है। तो ये बी सी इंटू बी डी कब बनेगा, जब आप इस बी सी की जगह इन दोनों का योग लिखोगे। योग लिखते ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, उसके बाद एक ही माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचा हुआ होगा वही आपका यहाँ रिजल्ट मिलेगा।